तो फ्रेंड्स आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे ये GTA San Andreas की ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों वीडियो भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और जो भी ये इंस्टाग्राम पे ये रील्स बना रहा है वो भी खुद बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाहते हो कि ऐसी वीडियो हम भी बनाएं और हम भी वायरल हो, तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आपका भाई आपको सिखाएगा कि ये वीडियो कैसे बनाएं और कैसे आप भी वायरल हो। और फ्रेंड्स अगर आप सोचते हो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए ओनली विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप ये वीडियो या ये रील आप बना सकते हो, ओनली 5 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैं आपको ये वीडियो विद इन 5 मिनट्स के अंदर बना के बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये रील्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा पूरे कम्प्लीटली ये वीडियो कैसे बनाना है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं अंकित शर्मा, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टरमाइंड अंकित में। तो फर्स्ट फ्रेंड्स ये वाली रील मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए चलना होगा आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दो एप्लीकेशंस की हेल्प चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है VN फोटो वीडियो एडिटर, और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है PicsArt। इन दोनों एप्लीकेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको आपका जो भी मॉडल रहेगा उसका 4 या 5 सेकंड का अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कैमरा से ऐसा वीडियो शूट कर लेना है। और फ्रेंड्स उसके बाद में आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वो वीडियो गूगल फोटोज़ के अंदर ओपन करना है, और फ्रेंड्स उसको एडिट करना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप ये करोगे तो आपको इस वीडियो को सीधा एंड के अंदर ले जाना है। एंड के अंदर ले जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप एक्सप्लोर फ्रेम करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ फ़ोटो निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस फ़ोटो को आपको अब एडिट करना है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताता हूँ कि आपको इसको किस तरह एडिट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस फ़ोटो को आपको सिंपली PicsArt के अंदर शेयर करना है। तो फ्रेंड्स आप जैसे इस फोटो को PicsArt के अंदर ओपन करोगे तो उसके बाद में करना है फ्रेंड्स इसको एडिट। तो फ्रेंड्स इसको एडिट करने के लिए आपको सिंपली इफ़ेक्ट्स के अंदर जाना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है फर्स्ट स्केच के अंदर, और फ्रेंड्स स्केच फर्स्ट के अंदर जाना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्केच पर जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, तो उसको कर लेना आपके फ़ोटो पर फिक्स, और इसको कर देना है ब्लैक। तो फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में आपको थोड़ा सा आपकी फ़ोटो पे जूम करना है, और यहाँ पे इरेज़र की हेल्प से आपको अपनी जितने भी फेस पे लाइंस होगी उनको इरेज कर देना है। तो फ्रेंड्स अपनी जितनी भी फेस की लाइन है वो इरेज हो चुकी है, तो उसके बाद में आपको कर देना है सिंपली टिक पे क्लिक। फ्रेंड्स अपन को फिर से फ़ोटो एडिट करना है, उसके बाद में जाना है अपन को सिंपली मैजिक के अंदर। उसके अंदर फ्रेंड्स जो यहाँ पे आपको ये वाला जो आपके ये वाला डेंजर्स का मार्क दिख रहा है उसके अंदर एडिट करना है, तो फ्रेंड इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। फ्रेंड ध्यान रखें कि आपको आप जब ये फ़ोटो एडिट कर रहे हो तो आपको मोबाइल डेटा ऑन करना है, जब ये जितने भी फिल्टर्स है वो आपके वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 3 सर्कल्स दिख रहे होंगे, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने फ़िल्टर्स रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, और फ्रेंड्स सिंपली आपको बाद में कर देना है क्लिक। और उसके बाद फ्रेंड्स अपन को एक और फिल्टर्स की हेल्प चाहिए होगी, उसका नाम वो भी फ्रेंड्स आपको ये फ़िल्टर मैजिक के अंदर ही मिलेगा, तो आपको थोड़ा आगे तक स्क्रॉल करना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ये हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली वो 3 डॉट पे क्लिक करना है, और अपनी फ़ोटो के हिसाब से आपको थोड़ा एडिट कर लेना है। फ्रेंड्स सिंपली उसके बाद में आपको टिक कर देना है, और फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र से आपको कुछ GTA के बैकग्राउंड के फ़ोटोज़ डाउनलोड करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स इन फ़ोटोज़ का डाउनलोड करने
का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप भी सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद में आपको एक PNG भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जो PNG आप मेरी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन की ऊपर देख सकते हैं, तो वो PNG आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सिंपली वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इतना सब करने के बाद में आपको फ्रेंड्स जो भी आप बैकग्राउंड आपको पसंद आया वो बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करके उसको सिंपली PicsArt के अंदर ओपन करना है, और फ्रेंड्स उसको क्रॉप करना है अपनी इंस्टा रील की साइज़ में। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पे क्रॉपिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको स्टोरी के अंदर क्रॉप कर लेना है। आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप वहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे मैं क्रॉप करूँगा उसके बाद में आपको करना है फ़ोटो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड कर ली है, इसको करना है आपको जूम। और फ्रेंड्स इसको यहाँ पे इस फ़ोटो को बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे इरेजर का ऊपर इरेजर का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना है पर्सन पे क्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं पूरा मेरी बॉडी क्रॉप हो चुकी है और जितना भी पीछे का बैकग्राउंड है वो हट चुका है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली कर देना है टिक पे क्लिक। और फ्रेंड्स आप इसको कहीं पे भी आप जहाँ पे आप सेट करना चाहो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ टिक को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना है एक अपना PNG ऐड करना। इसके बाद में मैंने अपने PNG ऐड कर लिया, जो मैंने आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको इतना बड़ा रखा है और यहां पे मैंने टिक पे क्लिक कर दिया है। फ्रेंड्स इसके बाद में आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो बन के रेडी हो चुकी है, तो इस फ़ोटो को अपन को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो मेरी गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स अपन को जो पूरा वीडियो बनाना है वो है अब सेकेंड वर्क है VN फोटो एडिटर के अंदर। जो पूरा वर्क करना है वो VN फोटो एडिटर के अंदर करना है। आपको जो यहाँ पे आपका मॉडल रहेगा या आपका जो आपने 4 सेकेंड का वीडियो शूट किया होगा वो आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो फ्रेंड जैसे आप ये आपका जो भी आपका 4 सेकेंड का वीडियो होगा आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के आगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको सिंपली डिलीट कर देना है। और फ्रेंड जो भी आपका वीडियो का पार्ट होगा उसके आगे आपको फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो ऐड करनी है। तो मैं आपके सामने जो भी फ़ोटो बनाया था वो मैं फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने फ़ोटो ऐड कर दिया इसके अंदर। फ्रेंड्स उसके बाद में आपको इस वीडियो को थोड़ा स्मार्टली एडिट करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे जब भी आपका वो जो भी मॉडल हो उसके हाथ में जो भी स्टिक आने लगे जब वहाँ पे आपको ये वीडियो क्रॉप कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली स्प्लिट कर देना है। और फ्रेंड्स जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वीडियो का उसको सिंपली डिलीट कर देना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही इस वीडियो को ओपन करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। फ्रेंड्स उसके पहले आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ऐड करना है। उस इफ़ेक्ट का नाम है फ्रेंड्स जूम इन। तो फ्रेंड्स इसको सिंपली ऐड कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई म्यूज़िक या कोई और म्यूज़िक ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स जो GTA का म्यूज़िक है मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपली वहाँ से जाके डाउनलोड करके वो म्यूज़िक ऐड। तो फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो देख सकते हैं तो कि मेरा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना है। और फ्रेंड्स ये जैसे एक्सप्लोर कम्प्लीटली हो जाएगा तो आपका वीडियो बनके हो जाएगा रेडी। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस को आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल सकते हैं, फेसबुक रील्स में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप तो फ्रेंड्स मैंने पूरा बता दिया है कि आपको ये रील कैसे बनानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर ऐसे इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।